अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून यानी शुक्रवार को महायोगी श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ एवं अभिनव दृष्टि द्वारा योग मानवता को भारतीय ज्ञान परंपरा का अतुल्य योगदान विषय पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित दीक्षा भवन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर वीके सिंह एवं भारती सिंह द्वारा लिखित सृष्टि सृजन और विज्ञान पुस्तक का विमोचन किया। संगोष्ठी में भाग लेने आए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष आरएस निर्जर ने योग मानवता को भारतीय ज्ञान परंपरा का अतुल योगदान पर अपने विचार रखे। इसके साथ ही गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण ने स्वागत करते हुए अतिथियों से संगोष्ठी के अवसर पर अपने विचार और स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महायोगी श्री गोरक्षनाथ पीठ एवं अभिनव दृष्टि प्रज्ञा प्रवाह द्वारा आयोजित मानवता को भारतीय ज्ञान परंपरा का अतुल योगदान पर संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम में आए सभी लोगों का स्वागत, आप सबका जीवन योगमय हो, आज के दिन पर गौरव की अनुभूति पीएम मोदी का अभिनंदन करना चाहिए जिन्होंने योग को वैश्विक मान्यता दिलाई, पूरा विश्व योग पर झूमता दिखाई दिया। पहले योग के दिवस पर बाद देशों की संख्या बढ़ी, 193 देशों ने योग पर झूमते दिखाई दिए, यहाँ तक कि चीन में भी गजब का जोश था। इस साल कुंभ का सफल आयोजन हुआ, पहले कुंभ का मतलब अराजकता था, 71 देशों ने कुंभ में अपने राष्ट्र का ध्वज को लगाया, यूनाइटेड नेशन के सदस्य कुंभ में प्रतिभाग किया, 6 लाख गांव और 24 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 189 देशों के लोग कुंभ की धरती पर आए। योग का मतलब जोड़ना होता है, जनाकांक्षा योग और सफाई स्वास्थ्य मिशन से इंसेफ्लाइटिस पर काबू पाया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु गोरखनाथ पर शोध कर एवं विश्व ज्ञान कोश पर शोध कर एक विश्व जनाकोश का निर्माण करें। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आर एस निर्जर, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह सहित विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, आचार्यगण एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
कर्म और संस्कृति का मूलाधार वैदिक ऋचाएं हैं, इसीलिए भारतीय चित्त आध्यात्मिक है। वेद ऋचाएं सृष्टि के निर्माण में सूक्ष्म से सूक्ष्म अवयवों का रहस्य उद्घाटन तथा व्यक्ति और समाज और इनके पारस्परिक संबंधों का नियमन नियंत्रण प्रस्तुत करती है। वैदिक ज्ञान परंपरा का अतुल्य अवदान योग है। हमारे समक्ष उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलपति सज्जन सिंह जी, प्रोफेसर के एन सिंह जी, प्रोफेसर अम्बौर जी, सीताराम जायसवाल जी, शहर के गणमान्य अतिथिगण, विश्वविद्यालय एवं जिला प्रशासन के अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण, गर्व का विषय है कि मुख्य अतिथि के रूप में परम पुज महान गोरख पीठाधीश्वर मान सिंह योगी आदित्यनाथ जी महाराज माननीय उत्तर प्रदेश जी का हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। अतिथि के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष विजय जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। आपके पास तकनीकी शिक्षा का नियोजन, प्रशासन, संस्था निर्माण, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, विकास के विभिन्न पहलुओं में लगभग 4 दशकों का अनुभव है। विशेष बात यह है कि आपने तकनीकी क्षेत्र से होते हुए भी अपने कैरियर की शुरुआत आर्मी के कमीशन अधिकारी के रूप में किया। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। विशेष अतिथि के रूप में रामश्री जी भारतीय ज्ञान परंपरा एवं चित्र की निरंतरता को बरकरार रखते हुए समर्पित संगठन प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक श्री रामश्री जी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अध्ययन विचार का विषय है कि विश्वविद्यालय प्रारंभ से ही इस परिषद के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों मर्यादाओं को अक्षुण रखने में सतत प्रयत्नशील है। लगभग 61 वर्षों की इस विकास यात्रा में विश्वविद्यालय नीत नए सोपान का अग्रसर होते हुए पूर्वांचल के शिक्ष को क्षेत्र को ज्ञान ज्योत से प्रज्वलित कर रहा है। छह संख्यायों तथा 29 विभागों के साथ विश्वविद्यालय के छात्रों को सुशिक्षित संस्कृति विश्वपरायण तथा नागरिक बनाने योग अपना योगदान वर्षों में प्रदान करता रहा है। हमारे छात्रों का भविष्य उज्ज्वल है। विश्वविद्यालय की हमेशा परिकल्पना रही है। गोरखपुर परिषद में लोकशिक्षित का निर्माण महात्मा अमर सिंह का देशभक्त में बलिदान मुख्यतः निर्मित हुआ है। गोरखपुर शहर के नाथ संप्रदाय का सर्वोच्च अधिष्ठान श्री गोरखनाथ मंदिर स्थित है। गोरखनाथ मंदिर सिद्ध पीठ है। इस सेनाथ पीठ के पूज्य पीठाधीश्वरों ने द्वारा समाज में समृद्ध निर्माण एवं सांस्कृतिक राजनीतिक चिंतना के साथ साथ आंदोलन में अग्रणी अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर दिया गया है। सुदीर्घ काल से ही विश्वविद्यालय अकादमिक परिवेश में अभूतपूर्व प्रभाव रहा है। नाथ संप्रदाय के दार्शनिक सार्वभौमिक क्रियायोगिक सैद्धांतिक विश्व पटल पर प्रदर्शित कर सर्वोपयोगी बनाया जाए, ऐसी विश्वविद्यालय की परिकल्पना रही है। इसी भाव के अनुरूप महायोगी गोरखनाथ शोध पीठ की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विश्वविद्यालय में हुई है। उत्तर प्रदेश शासन ने शोध पीठ में शैक्षिक एवं शिक्षोत्तर के कुल 28 पद स्वीकृत किए हैं, जिनका विज्ञापन किया जा चुका है और शीघ्र ही इन पर नियुक्तियाँ भी प्रारंभ की जाएंगी। मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा विशेष अतिथि प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार पाल सिंह जी चेयरमैन UGC के सानिध्य में संपन्न हो चुका है। महायोगी श्री गोरखनाथ शोध पीठ की शैक्षिक गतिविधियों की निगरानी एवं नियमन के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी गठन हुआ है। इस कमेटी के बाहर सदस्य के रूप में BHU के प्रोफेसर सुमन जैन, JNU के प्रोफेसर सुमन संतोष शुक्ल जी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद गुप्त जी, अपने विश्वविद्यालय के विज्ञान एवं कला संकाय के अधिष्ठातागण डॉक्टर प्रदीप राव प्राचार्य महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल दूषण गोरखपुर के बगैर सदस्य नामित हुए हैं। इस शोधपीठ का प्रशासनिक एवं शैक्षिक कार्यों को देखरेख के लिए प्रोफेसर रविशंकर जी को विशेष कार्याधिकारी का दायित्व दिया गया है। स्क्यूटी कमेटी की इस प्रथम बैठक में
शोधपीठ के द्वारा जो कार्य बिंदु तय किए गए हैं उनमें से मुख्यतः योगी गुरु गोरखनाथ की वेबसाइट निर्मित हुई है, जिसमें आजीवन एवं वार्षिक सदस्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है। इस शोधपीठ पे सदस्यता हेतु सभी को आमंत्रित किया गया है और उस पर सदस्यता का क्रम जारी है। काफ़ी संख्या में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। देश की विविधता को प्रतिनिधित्व करते हुए एक साधारण सभा का भी गठन किया गया है, जिसमें हमारे देश के प्रतिष्ठित लोग उसमें सम्मिलित हैं। गोरखनाथ शोधपीठ की एक प्रकाशक की भूमिका का भी निर्वहन कर रहा है। नाथ पंथ पर 11 परिचयात्मक पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया जाएगा। आज भी एक पुस्तिका का विमोचन किया गया है। अब तक कुल 4 पुस्तिकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और 1 प्रकाशाधीन है। नाथ पंथ पर शोध परक आमंत्रित लेखों एवं शोध पत्रों के प्रकाशन हेतु नाथ प्रज्ञा नामक एक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन हो रहा है। महायोगी श्री गोरखनाथ शोधपीठ एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा दिनांक 23 और 24 जनवरी को 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भारतीय प्राचीन भारत के वैज्ञानिक एवं अवदान विषय पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री हृदय नारायण दीक्षित अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश की गरिमा में उपस्थिति रही है। महोदय, इस शोधपीठ के भविष्य की योजनाओं में जो गतिविधियां प्रस्तावित हैं उनमें मुख्य हैं प्रोफेसर संतोष शुक्ल JNU नई दिल्ली द्वारा देश भर में नाथ पंथ के उद्भव विकास पर अध्ययनरत विद्वानों की सूची तैयार किया जाना, इसका प्रकाशन कर किया जाना शोधपीठ के महत्वपूर्ण कार्यों में सम्मिलित है। इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए आगामी जुलाई माह में एक कार्यशाला का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद श्रीनाथ विश्वकोश का विषयवार खंड विश्वविद्यालय के इस शोधपीठ पर हो पाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर महायोगी गुरु गोरखनाथ शोधपीठ अपना योगदान इस गोष्ठी के माध्यम से सुनिश्चित कर रही है। समाज के निर्माण के लिए हम अपने छात्र छात्राओं को समृद्ध कर सकें, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा अभिष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विशिष्ट अतिथि महोदय का मैं पुनः अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करते हुए उनकी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं एवं यहाँ उपस्थित सभी सुधीजन छात्र छात्राओं के प्रति भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। साथ में अन्य गणमान्य नागरिक जो यहाँ उपस्थित हुए हैं इस अवसर पर, मीडिया से आए हुए जितने भी बंधु हैं हमारे जितने अन्य सहयोगी हैं जो विश्वविद्यालय में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अपना योगदान करते हैं, मैं सबको आज के इस अवसर पर आप सबका हार्दिक आभार एवं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर्टेनली इनलाइटन आवर पाथ एंड विल बूस्ट आवर मोरल कॉन्फिडेंस। थैंक यू सर। तो वो संपूर्णता के साथ समझने की आवश्यकता होती है। हमारी ज्ञान परंपरा ने विश्व को इतना कुछ दिया है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन एक अजीब किस्म का नकारवाद पश्चिम में रहा है कि जब भी हमारी ज्ञान परंपरा की कोई बात उनसे कही गई है तो सबसे पहला उनका जो प्रतिक्रिया होती है वो ये होती है कि वो उसे इग्नोर करते हैं कि ये तो ओरिएंटल कुछ चीज़ है जो समझने लायक नहीं है। उसके पश्चात वो उसको थोड़ा स्वीकार करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई मिस्टिकल बात की गई हो। ये मान लिया गया कि हम जो कुछ भी कहेंगे वो मिस्टिकल ही होगा और कुछ नहीं होगा, और उसके बाद वो उसकी वैज्ञानिक विवेचना आरंभ करते हैं और फिर उसको स्वीकार करते हैं। योग के साथ भी, ज्ञान परंपरा के साथ भी योग की ऐसा ही कुछ हुआ है। सबसे पहले उन्होंने ये माना कि शायद ये जिम्नास्टिक का एक समानांतर किस्म का योगदान है, लेकिन योग एक पूरी जीवन की फिलॉसफी है। पर हर मनुष्य में नकारवाद होता है। ये दोनों परंपराएं साथ साथ चलती रही हैं, एक वो जिसे हम भौतिकवादी कहते हैं और दूसरी वो जिसे हम आध्यात्मिकवादी कहते हैं, जिसके बारे में दोनों नकार के बारे में लिखा गया है। पर अगर कोई परंपरा दोनों नकार को एक साथ समन्वित कर सकती है तो वो दुनिया में सिर्फ योग परंपरा है। तो हमने एक ऐसी परंपरा दुनिया को दी है जो दोनों परंपराओं को एक साथ समन्वित कर सके और ये बता सके कि ये जो प्रकृति है या जो शरीर है या जो भौतिक जगत है, ये आत्मा के जो विभिन्न सोपान हैं,
प्राणात्मक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, मन है, अति मन है और उसके जितने भी सोपान हैं उसका एक उपस्कर है, उसका एक उपकरण है। तो अगर आप इस वक्त किसी भी दुनिया के देश में जाएं तो जितने भी मनोवैज्ञानिक डिपार्टमेंट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, सब में यदि कोई रिसर्च इस वक्त हो रही है तो वो रिसर्च भारतीय परंपरा की चीज़ों की हो रही है, योग की हो रही है। किसी यूनिवर्सिटी में स्पिरिच माइंड माइंड बॉडी इंस्टीट्यूट बना ली है, किसी ने योग के आधार पर इंस्टीट्यूट ऑफ वेलबींग बनाई है, किसी ने कुछ और बनाया है, और जितने भी चिंतक हैं बहुत अच्छे इस विषय में सोच रहे हैं वो सारे के सारे योग के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि यदि पश्चिमी सभ्यता को बचाना है और पश्चिमी सभ्यता के लिए कोई विकल्प ढूंढना है तो योग का एकमात्र विकल्प उनके पास साइकरिस्ट है और कोई विकल्प नहीं है। एक और बात है, जैसे बहुत सारे चिंतक हैं आर्थर कोशलर इत्यादि, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि जो ओरिजिनल है, जो मौखिक गवेषणा है, जो हम लोग बिल्कुल मूल गवेषणा करते हैं, उस मूल गवेषणा की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जैसी कविता लिखने की प्रक्रिया हो, कि आदमी के निश्चेतन से कोई चीज़ ऐसी निकलती है जो बहुत उस तक सोचते 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 जब वो खो जाता है, जिसे हम ध्यान परंपरा कहते हैं और साइकोलॉजी जिसे फ्लो वर्ड कहते हैं, FLOW, फ्लो वर्ड कहते हैं, उस परंपरा से निकलता है। तो उस परंपरा से जो भी चीज़ निकलती है वो मौलिक गवेषणा के रूप में होगी। एक बड़े आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया की जितनी मौलिक गवेषणाएँ हुई, जितनी मौलिक क्रांति हुई, चाहे वो दशमलव क्रांति हो जो हमने विश्व को दी, या और जितनी भी खगोल की क्रांति हो, आयुर्वेद की क्रांति हो, और चलन कलन की क्रांति हो, कितनी क्रांति हमने दुनिया को दी हैं, और ये सत्यता कि हमने दुनिया को ये सिखाया है कि वो गणना किस तरह से की जा सके, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे यहाँ नहीं हुई। इसके कारण कभी ढूंढने होंगे, और इसका एकमात्र कारण ये है कि हम औरों को तो तब कुछ देते जब हम अपने ज्ञान परंपरा को स्वयं स्वीकार करते। हमारे देश में कुछ इस तरह का वातावरण बन गया इस बीच में कि हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते रहे, धर्म निरपेक्षता की बात कर ले, इसके लिए सेकुलरिज्म के लिए हमारी भाषा में कोई शब्द नहीं है और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारी परंपरा ही नहीं है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो धर्म का कोई इंग्लिश अनुवाद नहीं होता है, जिस परंपरा में जो चीज़ उभरती है सांस्कृतिक रूप से, सभ्यता के रूप से, उसके शब्द भी उसी में होते हैं। तो ये जितनी भी मौलिक गवेषणाएँ हुई ये हमारे यहाँ हुई और औद्योगिक क्रांति उनके यहाँ हुई, इसके बहुत सारे कारण ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन ये मौलिक कारण है कि हमने अपनी ही पद्धति को खुद बहुत दिनों तक इग्नोर किया, नेगलेक्ट किया, या कहना चाहिए नज़रअंदाज किया। अब हमने ये चीज़ दुनिया को दी है, योग के रूप में दी है, और अभी तक योग जो था, जैसे मैं कह रहा था कि एक जिम्नास्टिक की समानांतर प्रणाली मानी जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ अब प्राणायाम सम्मिलित हो गया है, धीरे धीरे उसके साथ अब ध्यान सम्मिलित हो रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारी जो प्रणाली है पूर्ण रूपेण अच्छी तरीके से स्वीकार कर ली जाएगी, और अगर ये स्वीकार नहीं की गई जीवन दर्शन के रूप में तो फिर उसके अधूरे परिणाम वैश्य को भोगने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी परिणाम है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद, बहुत लंबे वर्षों बाद, एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि हम लोग कंप्यूटर जो है वो संस्कृत में क्यों नहीं स्वीकृत कर सके, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। मैंने कहा, इसमें बोले मनोज जोशी से मेरी चर्चा हो रही थी, मैंने कहा कि इसमें कुछ विलंब हो गया है। उन्होंने कहा, भाई कितना विलंब हो गया है? मैंने कहा, लगभग 60-70 साल का विलंब हुआ है, और कम विलंब नहीं हुआ है। तो बहुत सी चीज़ ऐसी थी जो हम आज़ादी के समय आरंभ कर सकते थे, और अगर हमने उन पर आज़ादी के समय ध्यान होता तो आज बहुत कुछ हो गया होता। लेकिन समय की भी शायद कोई डायनामिक्स हो, कोई इस तरह का कोई रूट्स ऑफ कोइंसिडेंस कहते हैं, संयोग के भी कुछ चीज़ हो, या इसके ऊपर भी लोगों ने रिसर्च की है, या कुछ हो, वो आज होना था। और आज बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में, कि हमने अपनी इन तमस ज्ञान परंपराओं के बारे में ध्यान देना शुरू किया है, सोचना शुरू किया है, उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू किया है, और विश्व ने पहली बार जो है इतने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में उन्हें स्वीकारना शुरू किया है। यह हमारी जो है
पहले ये ज्ञान परंपरा गई थी, जिन योगियों ने दी थी उन लोगों ने भी अपना इसका एक पार्ट ही लोगों को दिया था, पूरा नहीं दिया था उस वक्त का। वो तब भी वो भी एक्सरसाइज कराते थे, विक्रम योग हुआ, ये हो योग हुआ, वो योग हुआ। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है वो पूर्ण योग के रूप में हो रहा है, उसमें सारे योग आज के आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक चीज़ है। और अगर दुनिया में कोई भी शांति रखनी है, ये देखा गया है कि जितने भी लोग जो ये विश्व के मंच पर आए हैं, डिक्टेटर्स जिन्हें हम कहते हैं, चाहे हिटलर हो, स्टालिन हो, ईदी अमीन हो, और बहुत सारी इस तरह की बात आई हैं जितनी भी आई हैं, इनके बड़े एकांगी व्यक्तित्व थे। इन्होंने की एक ही तरफ की तरफ झुकी हुई थी, दूसरी तरफ का नकार इनका बिल्कुल शून्य था। इन्होंने कभी स्वीकार नहीं करा कि कुछ और भी जीवन में है। और अगर उनके जीवन में कोई इस तरह का स्वीकारित स्वीकृति होती, यानी उनकी परंपरा में कहीं योग होता, तो वो इस तरह के अहिंसक नहीं बनते। लेकिन एक बात और है कि हम जिस वक्त जीवन दर्शन गढ़ रहे थे, और हम ये गढ़ रहे थे कि अनेकांतवाद का दर्शन गढ़ रहे थे, अहिंसा के बहुत सारे जीवन दर्शन गढ़ रहे थे, उस वक्त संसार के कुछ बर्बर जातियाँ सिर्फ तलवार गढ़ रही थी और कुछ नहीं गढ़ रही थी। और नतीजा यह हुआ कि उनकी तलवार के सामने हमारे जीवन दर्शन हारते चले गए, हमारी अहिंसा पर पराजित होती चली गई। पता नहीं क्यों ऐसा था, हमारे पास गीता थी, गीता होने के बावजूद भी हम कभी दुनिया के दास क्यों रहे, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आता है कि कभी भी इतनी बड़ा इतनी ऐसा जीवन दर्शन जो सदैव आपको कार्य करने को प्रेरित करता है, जो इस बात की प्रेरणा देता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके बावजूद भी हम अगर गुलाम रहे तो इसकी कोई गलती हमारे पास होगी। मुझे बहुत ये कहते हुए गर्व और गौरव का विषय है कि आज देश को ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है जो इस बारे में सोच रहा है, और जिसका जो जीवन अपना जीवन दर्शन है वो इन तमाम चीज़ों का एक योगात्मक एक समन्वित योग है, या जिसे हम एकात्म जीवन पद्धति कहते हैं, उस एकात्म जीवन पद्धति की ओर जा रहा है। और उस एकात्म जीवन पद्धति को अगर हम अपनाते रहते हैं तो निश्चित रूप से है हमें है कि इसके दूरगामी परिणाम विज्ञान की खोज में मिलेंगे, इसके दूर परिणाम क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं या इनोवेशन जिसे कहते हैं उसमें मिलेंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी और इनोवेशन का भी मूल यही है। और सभी क्षेत्रों में हमें इसके परिणाम मिलेंगे, और इसके परिणाम यदि हमें मिलें और हम उस पर अच्छी तरह से काम कर जाएं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि 21वीं शताब्दी जिसे हम कहते हैं भारत की शताब्दी होगी, और उसके आप भी जो भी हमारा भविष्य होगा वो भारत का भविष्य होगा। तो उलझा न करें हमसे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। अब ऐसे हमारे पूज्य श्री महाराज जी 19 मार्च 2017 को भारत के हमारे विश्वविद्यालय के छात्रा प्रतिभा शुक्ला को एकल गीत के लिए अनुरोध करते हैं। पंचम योग दिवस के अवसर पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ तथा प्रज्ञा प्रवाह के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज की संगोष्ठी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर आर एस निर्झर जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित जी, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय प्रोफेसर हरिशंकर जी, प्रोक्टर प्रोफेसर गोपाल प्रसाद जी, प्रज्ञा प्रवास से श्रीमान रामाशीष जी, आज के समारोह में उपस्थित पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस एन सिंह जी, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलपति प्रोफेसर के एन सिंह जी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह प्रजोभिया विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी,
के सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय जनप्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण, उपस्थित महानुभाव और विश्वविद्यालय के सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, पंचम योग दिवस के अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका जीवन योगमय हो, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति मैं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सानिध्य में सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है और उसी श्रृंखला में आज डॉक्टर भारती सिंह एवं प्रोफेसर डीके सिंह जी ने सृष्टि सृजन और योग का विज्ञान से संबंधित इस पुस्तिका को शोधपीठ के माध्यम से प्रकाशित करके योग की जिज्ञासा को और तीव्र करने में एक नई भूमिका का निर्वहन किया है। मैं डॉक्टर भारती सिंह जी को, प्रोफेसर डीके सिंह जी को इस प्रकाशन के लिए, इस चिंतन के लिए और इस लेखन के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उनकी लेखनी इसी प्रकार से सृजनात्मक रूप से आगे बढ़ती रहे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सबको आज के इस दिन पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए कि वैश्विक मंच पर भारत की परंपरा का, भारतीय संस्कृति का और भारतीय परंपरा का उन्होंने सम्मान किस रूप में बढ़ाया है, योग उसका उदाहरण है। हम सब जानते हैं, मुझे लगता कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसने योग के बारे में, योग की क्रियाओं के बारे में जाना ना हो, सुना ना हो। लेकिन योग को वैश्विक मान्यता मिले और एक साथ पूरी दुनिया योग की इस परंपरा के साथ, भारत की इस गौरवशाली परंपरा के साथ झूमता हुआ दिखाई दे, 21 जून की तिथि पंचम योग दिवस के अवसर पर आप सबके सामने आज एक बार पुनः देखने को मिला होगा। याद करिए 11 दिसंबर 2014 का दिन, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रकार का प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत होता है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे मान्यता दी। पहला योग दिवस 21 जून 2021 को, 2016 को, और वह श्रृंखला जो प्रारंभ होती है, देशों की संख्या जुड़ती गई, लगातार जुड़ती गई। यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या 193, आज के दिन पर 193 देश योग के साथ उसी प्रकार से झूमते हुए दिखाई दिए हैं जैसे भारत के अंदर हर एक पार्क में कहीं पर आसन करते हुए, कहीं पर प्राणायाम करते हुए, कहीं ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए योग जिज्ञासु और योग साधकों को आपने देखा होगा। ऐसे ही दुनिया के सभी 193 देशों में यह कार्यक्रम इसी रूप में देखने को प्राप्त हुआ और तो और चीन जैसा देश भी योग के प्रति कितनी रुचि लेता है, आपने अगर वहां के योग के शॉर्ट्स देखे होंगे, मैं आप सबसे कहूंगा कि आप जरूर उसको देखिएगा। योग की इस परंपरा ने पूरी दुनिया को एक बार पुनः भारत के साथ जोड़ते हुए यह साबित किया है कि भारत की वैदिक परंपरा ने वैसे ही नहीं कहा था वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक योग की परंपरा ने एक बार पुनः साबित कर दिया है और आज पूरी दुनिया उस अभियान के साथ, इस योग की परंपरा के साथ, भारत की ऋषि परंपरा के इस प्रसाद को प्राप्त करने के लिए
उसी प्रकार से हम सबके साथ देखती हुई एक एकाकार होती हुई दिखाई दी है। सचमुच हम सब भारतीयों के लिए गौरव की बात है। मैं आप सबको बधाई देता हूं और इस योग की परंपरा को वैश्विक ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। ये परंपरा केवल यहीं तक सीमित नहीं है। आपने इस वर्ष उत्तर प्रदेश को कुंभ के आयोजन का सौभाग्य भी आप सबने देखा होगा। इस आयोजन को करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। कुंभ के बारे में अक्सर आप सुनते रहे होंगे, कुंभ का मतलब जहां गंदगी हो, जहां अराजकता हो, जहां भगदड़ हो, जहां दुर्व्यवस्था हो, जहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का शिकार आम श्रद्धालु होता था। पहली बार कुंभ की इस परंपरा को भी वैश्विक मान्यता दी गई। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता दी और कुंभ के इस आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से यूनेस्को ने तो इसे मान्यता दी ही। पहली बार 71 देशों ने अपने राष्ट्र ध्वजा को कुंभ में स्थापित किया, यानी कुंभ के साथ उन्होंने भी अपने को जोड़ने का प्रयास किया। और जब ये परंपरा आगे बढ़ी, आगे और आगे चली, तो हमने प्रयास किया कि यूएनओ से जुड़े हुए सदस्य देश भी इस कुंभ में सहभागी बने। भारतीय मूल के नहीं, भारतीय मूल के लोग तो प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर 76 देशों में जो भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं उन्हें तो हम लोगों ने आमंत्रित किया ही था, लेकिन यूएनओ के सदस्य देश जैसे उन्होंने योग को मान्यता दी, वैसे ही वे कुंभ में भी भागीदार बने। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पहला कुंभ था जिसमें भारत के 6,00,000 गांवों का प्रतिनिधित्व तो हुआ ही, 24 करोड़ श्रद्धालु उस कुंभ में भागीदार बने और दुनिया के 193 में से 189 देशों ने, वहां के मूल नागरिक ने कुंभ में आकर के कुंभ की परंपरा के साथ जोड़ करके अपने आप को गौरवशाली माना और भारत की इस परंपरा को कि कैसा अद्भुत नजारा है, कैसा महासमागम है, मानवता का ये महासमागम, क्या इसी को कुंभ कहते हैं, जहां हर कार्य स्वतः स्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा हो और जहां पर भारत की आस्था हिलोरे लेती हुई देख रही हो। यह एक अद्भुत नजारा कुंभ के अवसर पर दुनिया के 189 देशों ने भी इस वर्ष प्रयागराज की धरती पर देखा है और इसलिए यह भी श्रेय अगर जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जिन्होंने कुंभ को वैश्विक मान्यता देने के साथ साथ उन देशों को भारत और कुंभ के साथ, प्रयागराज के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ने का एक प्रयास किया। वास्तव में एकाकार का मतलब इसलिए भी है क्योंकि योग का मतलब ही जोड़ना है। हम योग को तो जोड़ने से ही लगते हैं। हमने सामान्य गणित में भी हम जब सीखते हैं तो जोड़ सीखते हैं, जोड़ना। ये आत्मा परमात्मा का जोड़ हो सकता है, ये मानवता का आपस में मिलन का योग हो सकता है, ये दुनिया में अलग अलग जाति, मत, पंथ, मजहब और संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों को अपने साथ जोड़ने का एक अभियान भी हो सकता है। लेकिन योग की इस परंपरा ने एक बार पुनः साबित किया है कि दुनिया के अंदर इस एकता का, इस योग का कोई माध्यम बनेगा तो भारत ही वह माध्यम बनेगा और उसको नेतृत्व भी कोई करेगा तो केवल भारत ही करेगा। आज योग दिवस ने एक बार पुनः साबित किया है। मैं योग दिवस पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब गोरखपुर के वासी हैं और गोरखपुर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की पवित्र साधना स्थली है। हमारा नाम ही महायोगी गोरखनाथ से आया पड़ा है और महायोगी गोरखनाथ योग के का जो व्यावहारिक पक्ष है, जिसे आप क्रियात्मक योग कहते हैं, इस क्रियात्मक योग के जनक ही महायोगी गोरखनाथ हैं। जिसे आप आसन के रूप में करते हैं,
जिसे आप प्राणायाम के रूप में करते हैं, जिसे आप ध्यान के रूप में करते हैं, या फिर शरीर शोधन की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, नेति है, नौली है, त्राटक है, कपालभाति है, या फिर ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इन सभी क्रियाओं के जो जनक हैं वह महायोगी गोरक्षनाथ जी हैं। और इसलिए गोरखपुर वासियों को तो इस बात पर और गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि क्रियात्मक योग गोरखपुर से होते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से वैश्विक मंच पर छा गया है, वैश्विक मंच पर छा गया है, और यहां पर बड़ी मात्रा में ही हुआ है। और मैं तो उनसे कहूंगा कि भारत के अंदर एक क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं, और वह संभावना है जिसमें हम लोग दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और वह योग और नेचुरोपैथी में वेलनेस सेंटर स्थापित करके दुनिया को एक बार पुनः हम निरोग बनाने की कला में पारंगत हो सकते हैं। और इसके लिए हमारी वर्तमान की वर्तमान पीढ़ी को स्वयं अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। सामान्य रूप से योग की ये परंपरा सामान्य नागरिक के लिए निरोग बनने के लिए उपयुक्त है। आप देखेंगे योग की किसी भी विधा में आप जाएंगे, उसके अलग अलग सोपान हो सकते हैं, लेकिन मूल में आप देखेंगे वह परंपरा ही शुरू होती है शुद्धि से। बगैर शुद्धि के हम किसी नई ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। आप सामान्य जीवन में भी इस बात को अनुभव करते होंगे। प्रत्येक सनातनी धर्मावलंबी जब पूजा करने बैठता है, स्वयं करता हो, अपने आचार्य या पुरोहित से करवाता हो, तो सबसे पहले क्या कराता है? आचमन करवाता है। और आचमन करवा करके तीन बार उसके हाथ में जल देकर के उसको कहता है इसको ग्रहण कर लीजिए। यानी तीन प्रकार, तीन बार जल देने का मतलब क्या है? तीनों प्रकार की जो ताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के तापों से हमें मुक्ति मिले। ये तीन प्रकार के जो भी ताप हैं इनसे हम मुक्त हो सकें। उसके बाद आप एक मंत्र बोलते हैं और मंत्र बोल करके फिर अपने ऊपर जल का छिड़काव करते हैं, यानी पवित्र होने का, आंतरिक रूप से पवित्र होने का भी और बाह्य रूप से पवित्र होने का भी। और योग में भी आप देखते होंगे यम और नियम से जो व्यवस्था चलती, जो परंपरा चलती है, एक हमें बाह्य शुद्धि की प्रेरणा देता है और दूसरा आंतरिक शुद्धि की प्रेरणा देता है। यानी बिना शुद्धि के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्वच्छ भारत अभियान के अंदर यही तो आपसे कहा था कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें स्वच्छ भी रहना सीखना होगा, स्वच्छता पर फोकस भी करना होगा, स्वच्छता हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। और स्वच्छता के माध्यम से आज वास्तव में दुनिया इस बात पर आश्चर्य करती है कि भारत की 130 करोड़ की आबादी में स्वच्छ भारत अभियान कैसे सफल हो गया। देखिए, जन सहभागिता जब किसी आंदोलन का हिस्सा बनती है तो वह अभियान एक आंदोलन का रूप लेती है, और वह आंदोलन दुनिया के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय बनता है। और स्वच्छ भारत मिशन, याद करिए, 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर लागू किया था, और उस समय उन्होंने कहा था, स्वयं अपने हाथों में झाड़ू लेकर के वे निकल पड़े थे, हरेक लोग, हरेक नागरिक से, हरेक प्रबुद्ध जन से, समाज के प्रत्येक तबके से उन्होंने संवाद बनाया था, किसी के साथ उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी से विजुअल मीडिया के माध्यम से, किसी के साथ प्रिंट मीडिया के माध्यम से, किसी को पत्र लिख करके, किसी के साथ सीधे संवाद करके उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का किया था। क्योंकि जानते हैं कि देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी के लिए उसकी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि आवश्यक है कि हम सबसे पहले उसकी बुनियादी आवश्यकता पर ध्यान दें, और वह था स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन में आपने देखा होगा दोनों प्रकार के कार्यक्रम चले थे, एक स्वच्छता का चला था,
और दूसरा खुले में शौच से मुक्ति का। मुझे लगता है इन दोनों से, इन दोनों के प्रभाव को सबसे अधिक अगर कोई समझ सकता है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर नागरिक समझ सकता है। जो इसकी विकृति का सबसे अधिक दुष्प्रभाव भी झेला है, हमने 40-42 वर्षों से इंसेफ्लाइटिस के प्रकोप को यहां पर झेला है, देखा है, यहां के मासूमों को तड़पते हुए मरते हुए देखा है। सैकड़ों मासूम बच्चे प्रतिवर्ष यहां पर मरते थे, लेकिन उनके लिए हम लोग हर बार आवाज उठाते थे कि स्वास्थ्य की सुविधा कम है, कहीं पर व्यवस्थाओं के बारे में, कहीं पर किसी अन्य कार्यक्रम के बारे में। लेकिन मुझे स्वच्छ भारत मिशन का सबसे प्रभावी प्रभाव और असर देखने को मिला इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित या विषाणु जनित बीमारियों से प्रभावित उन क्षेत्रों में, जहां पर सैकड़ों बच्चे प्रतिवर्ष मरते थे। और हम लोगों ने 2 वर्ष से लगातार इसको एक अभियान के रूप में लिया और उसका परिणाम था, अकेले आपके गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर केवल एक ही कार्यक्रम के तहत आप देखेंगे तो अगस्त महीने में 1977-78 से लेकर के 2015-16-17 तक हम लोगों ने देखा कि प्रतिवर्ष 500 से 600 बच्चे भर्ती होते थे। 500 से 600 बच्चे भर्ती होने के बाद 150 से 200 की मौत होती थी और व्यवस्था हर बार कहती थी कि हम कार्यक्रम चलाएंगे, अभियान चलाएंगे, टीकाकरण करेंगे और भी तमाम चीजें चलती थी। हमने अन्य सुविधाओं को तो उसकी सुविधाओं को हम लोग स्ट्रेंथनिंग किया, उसको हमने काफी समृद्ध करने का प्रयास तो किया ही, लेकिन हमने फोकस किया था 2 कार्यों में, एक स्वच्छता पर और दूसरा शुद्ध पेयजल पर। और आपने देखा होगा विगत वर्ष उसके परिणाम 1 वर्ष के अंदर ही देखने को मिले। 40 वर्षों में 500 से 600 मरीज जिस मेडिकल कॉलेज में भर्ती होते थे, विगत वर्ष मात्र 86 मरीज भर्ती हुए। जिस मेडिकल कॉलेज में प्रतिवर्ष 150-200 बच्चे मरते थे, उस मेडिकल कॉलेज में केवल 6 मौतें हुई हैं। और हमारा प्रयास है इन आंकड़ों को न्यूनतम स्तर पर ला करके हमेशा के लिए इस बीमारी का उन्मूलन करना। लेकिन जनसहभागिता, स्वच्छ भारत मिशन और योग की परंपरा आपको इस शुद्ध के साथ कैसे जोड़ती है। अभी वो बालिका यहां पर एक गीत गा रही थी, यानी शिक्षा आपका उत्थान कर कैसे कर पाएगी अगर आपका नैतिक आधार ही नहीं है। और अगर शुद्ध पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो नैतिक आधार कितना सशक्त होगा, कितना मजबूत होगा, हम स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। और योग की ये परंपरा हमें न केवल शुद्धि के माध्यम से आगे बढ़ने की के लिए प्रेरित करती है, चाहे वह यम हो, चाहे वह नियम हो, और चाहे वह उसके आगे की व्यवस्था हो। यानी एक एक सोपान योग के आप चढ़ते जाइए और एक एक सोपान में आप देखते जाएंगे कि वे एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी भी नहीं है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी नहीं है, और एक दूसरे के लिए एक दूसरे को नजरअंदाज करके आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। आपको मंजिल पर चढ़ना होगा तो मंजिल पर चढ़ने के लिए आपको सीढ़ियों का सहारा ही लेना होगा। अगर आप मंजिल पर चढ़ने के लिए उछल कूद करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है आप चोटिल हो जाएंगे, हो सकता है कि ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आगे आपके सामने चलने फिरने की स्थिति भी न रहे। और मुझे लगता है योग के अलग अलग सोपान उस सिद्धि की स्थिति को प्राप्त करने का ही एक माध्यम है, चाहे वह हम शुद्धि से, यम और नियम से जिस क्रिया को प्रारंभ करते हैं, आसन का है, प्राणायाम का है, प्रत्याहार का है, धारणा का है, ध्यान का है, या फिर समाधि का है। ये उन्हीं एक एक सीढ़ी को आगे बढ़ने की एक क्रमिक ऊंचाइयां प्राप्त करने का एक माध्यम है। और ये हमारे दैनिक जीवन में भी ये चीजें इस रूप में देखने को मिलती है। और मुझे लगता है शिक्षा से जुड़े हुए किसी संस्थान के लिए
योग का एक माध्यम हो सकता है अपने को सशक्त बनाने का और उस क्षेत्र में पारंगत होने का। जैसे योग के माध्यम से हमने एक एक सीढ़ी को चढ़ करके सिद्धि की स्थिति को प्राप्त किया है, वैसे ही हम शिक्षा के क्षेत्र में भी उन सभी क्रियाओं को उसके व्यावहारिक स्थिति को लेकर के उन माध्यमों के उनकी नई माध्यमों का सहारा लेकर के हम अपने व्यावहारिक जीवन में भी उसका अंगीकार करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और आज के इस अवसर पर मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास यहाँ पर इस व्यवस्था ने किया है, महायोगी गुरु गोरखनाथ शोध पीठ के द्वारा जो एक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, प्रकाशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। मुझे लगता है कि भारत का कोई प्रांत नहीं, बृहत्तर भारत का कोई देश नहीं जहां पर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी से जुड़े हुए स्थल मौजूद न हो। आज भी वे स्थल मौजूद हैं वहां पर, आज भी वहां की व्यापक आस्था के प्रतीक बने हुए हैं। मुझे याद है आज से लगभग 4 वर्ष पहले गोरखपुर के एक निवासी, सिंगापुर में रहते हैं, वो अपने एक मित्र के साथ पाकिस्तान में ननकाना साहिब गए थे। उन्होंने वहां से फोन मुझे किया तो पाकिस्तान का नंबर होने के नाते मैं उसको रिसीव नहीं कर रहा था, तो बराबर उनका फोन आ रहा था, मैं रिसीव नहीं कर रहा था। बाद में उन्होंने अपने परिचित से कहा गोरखपुर में कि मैं योगी जी से बात करना चाहता हूं, संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूं। उन्होंने कहा, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है। मैंने कहा हाँ, मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो आए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी आप तो सिंगापुर में रहते हैं, फिर पाकिस्तान कैसे गए? उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान इस बात को लेके गया था कि गुरु नानक देव जी का जो जन्मस्थल है उस ननकाना साहिब में मुझे दर्शन करना था, वहां जाना था, लेकिन मुझे वहां एक चीज देखने को मिली। उन्होंने कहा जब मैं वहां गया मुझे वहां पर एक योगियों का पहाड़ देखने को मिला, एक लंबी यात्रा वहां चल रही थी और सभी मत और पंथ के अनुयायी, मजहब के अनुयायी उस यात्रा में शामिल थे। तो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा भी ये क्या यात्रा है? लोगों ने कहा कि ये योगियों का पहाड़ है। कहा क्या मतलब? कहा ये योगियों का पहाड़ है, महायोगी गोरखनाथ का आगे धुना है ऊपर पहाड़ी में। कहा गोरखनाथ का धुना यहाँ पर? कहा हाँ, गोरखनाथ का पहाड़, गोरखनाथ जी की धुनी ऊपर पहाड़ी में है और उस पहाड़ी का दर्शन और उस पहाड़ी में धुने का दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। तो कहा इसी बात को लेकर के यही मेरी जिज्ञासा थी कि क्या गोरखनाथ जी से जुड़ा हुआ कोई स्थल पाकिस्तान में पेशावर के पास है? तो मैंने कहा हाँ, स्थान तो है। यही स्थिति आपको अफगानिस्तान में मिलेगी, नेपाल में मिलेगी, भूटान में मिलेगी, तिब्बत में मिलेगी, बांग्लादेश में मिलेगी, और भारत के अंदर तो कोई प्रांत ऐसा नहीं जहां पर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी से जुड़े हुए ये केंद्र मठ के रूप में, मंदिर के रूप में, धुना के रूप में, गुफा के रूप में या किसी अन्य रूप में न देखने को मिलते हों। योग की जितनी विधाओं को सामान्य रूप से हमारी धारणा क्या होती है, योग से हम भागते थे, यानी 5 आज तो योग एक आंदोलन का रूप ले रहा है, लेकिन इससे पहले लोग क्यों भागते थे? कहते थे अरे योग का मतलब हमारा लड़का योगी हो जाएगा, घर छोड़ देगा, भाग जाएगा। लोग भागते थे, डरते थे, लेकिन आज तो मैं देख रहा हूं हर पार्क में, हर स्थान पर लोग योगासन करते हुए, प्राणायाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना बड़ा एक आंदोलन बन चुका है योग का। योग की परंपरा जो पूरी दुनिया के अंदर आज बन, जो एक आंदोलन का रूप ले रही है, और भारत के अंदर भी जो एक भय लोगों के मन में था कि योग करने से कहीं ऐसा ना हो कि पलायन कर जाए या वह व्यक्ति अपना घर बार छोड़ दे, वह भय भी दूर हुआ है और लोगों के मन में जिज्ञासा प्रारंभ हुई, नहीं योग हमें निरोग भी रख सकता है, हमारा उन्नयन भी आगे कर, हमारा आध्यात्मिक उन्नयन भी कर सकता है। और मैं कह सकता हूं एक और बात, जब यहां पर प्रोफेसर निर्झर जी को यहां पर बुलाया जा रहा था तो संचालक के द्वारा कहा गया कि टेक्नोलॉजी और योग का संबंध, मुझे लगता है दुनिया का कोई शोध ऐसा नहीं जो मन की एकाग्रता के बगैर संभव हो सकता हो।
मन के एकाकार के बगैर दुनिया का कोई शोध आज तक नहीं हुआ है। जिसने भी चेतना के विस्तृत आयाम के माध्यम से चेतन मन को, जब तक वह चेतन मन है तब तक वह चंचल बना रहता है, लेकिन जब वह चेतन मन अपने अवचेतन और अचेतन की स्थिति को प्राप्त होता है तो मुझे लगता है कि दुनिया की हर असंभव वस्तु उसके लिए संभव बन जाती है। और इसी के लिए महायोगी गोरखनाथ ने कहा था कि पिंड माही ब्रह्मांड समाया, यानी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस सराचर जगत में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है या जो कुछ भी हमारे मन में जिज्ञासा आती है, जो मन में विचार आते हैं, वे विचार अचानक नहीं आते हैं, वे विचार अचानक नहीं आते हैं। जो बात आज हम बोल रहे हैं, आप याद करिए, आज से 400 वर्ष पहले अगर एरोप्लेन की बात कोई करता रहा होगा, या हमारे ग्रंथों ने रामायण में या उसके बाद के ग्रंथों में जब पुष्पक विमान की बात आई होगी तो लोगों ने उसको क्या माना होगा? पश्चिम जगत में तो माना होगा कितना कपोल कल्पित है, हमने उसको आस्था के साथ जोड़ दिया कि वे भगवान राम हैं तो पुष्पक विमान से आए ही होंगे, इंद्र भी विमान से आते ही थे। लेकिन सामान्य लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय था, पश्चिम जगत के लिए क्योंकि सोच उनकी सकारात्मक नहीं थी, नकारात्मक थी, लोग मानते थे सर देखिए सब ढोंग है, पाखंड है, ये झूठ है, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज एरोप्लेन का आविष्कार होने के बाद और जिस तेजी के साथ इस दिशा में प्रयास हुए हैं, आज तो लोग ये मान सकते हैं ना कि हजारों वर्ष पहले पुष्पक विमान था, उसका अस्तित्व था, और भगवान राम स्वयं लंका से उसी पुष्पक विमान से अयोध्या तक आए थे। आज तो हर एक व्यक्ति इसको स्वीकार कर सकता, आज तो उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन एक सामान्य बौद्धिक स्थिति में पुष्पक विमान का आविष्कार नहीं हुआ होगा। मन की उन उच्चतम और गुह्य स्थितियों में पहुंचकर, जब आध्यात्मिक चेतना के उन उच्च आयामों को छुया होगा, तब वो स्थिति और उस प्रकार का शोध, उस प्रकार का आविष्कार हम सबके सामने आया होगा। और आविष्कार या कोई भी शोध जब तक लोक कल्याण के लिए होगा, तो मुझे लगता है कि मानवता का कल्याण अपने आप उसमें निहित होता है। जब भी कोई भी शोध और कोई भी आविष्कार स्वार्थ के लिए होगा तो मानवता के विध्वंस का कारण बनेगा, और जब भी परमार्थ के लिए होगा तो अब मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और भारत ने जब भी अपनी आध्यात्मिक उन्नयन के माध्यम से कोई भी आविष्कार किया है, हमारी ऋषि परंपरा ने किया हो, हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, मानवता के व्यापक कल्याण को ध्यान में रखकर के ही किया है। और योग उस कल्याण की आधारभूत इकाई है जिसके माध्यम से हम मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। मुझे देख करके बहुत बार मैं इस बात को महसूस करता हूं। मैं भी 6 महीने पहले मुझे अचानक तमिलनाडु जाना पड़ा एक कार्यक्रम में, तो मैं कार्यक्रम में गया था, मुझे केवल एक जिज्ञासा मेरे मन में रहती थी कि क्या तमिलनाडु में महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के या अनुयायी हैं, नहीं हैं, कितनी संख्या में हैं, क्योंकि केवल मैंने 1994 में महायोगी गोरखनाथ पर एक पुस्तक, चेन्नई के एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे उन्होंने, के आर नजुंडन ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी, लेकिन मैं तब भी इस बात को मानता था कि क्या उन्होंने जो लिखा है इसमें क्या वह कितनी सच्चाई है। मुझे अचानक कोयम्बटूर जाना पड़ा, मैं कोयम्बटूर गया था तो वहां पे काफी लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे। तो कोयम्बटूर पे जब मैं गया तो मैंने वहां पर, मैं लोगों से मिल रहा था तो उसमें एक बड़ी संख्या वो मिली मुझे, उन्होंने कहा साहब हम लोग तो नाथ पंथ के अनुयायी हैं। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा देखिए हमारे यहाँ मत्स्येंद्र नाथ जी का मंदिर है और एक बड़ी संख्या वह मुझे वहां देखने को मिले। आप त्रिपुरा में जाइए, त्रिपुरा की आबादी की लगभग 35% आबादी, कुल वहां की आबादी का 35 से 36% आबादी वह
महायोगी गोरखनाथ जी की अनुयायी है। मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज 1980 और 86 के बीच में वहां कुछ स्थानों पर गए थे। आप आश्चर्य करेंगे, जब विगत वर्ष मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था तो मैंने देखा कि वहां पर वहां के लोगों ने जहां जहां वो गए थे वहां वहां पर महायोगी गोरखनाथ जी के अनुयायियों ने गोरखनाथ जी के बड़े बड़े मंदिर वहां खड़े करके रखे हुए हैं। मैंने कभी कैसे बना दिया आप लोगों ने? कहा रे सब हम बनाए हैं, हमारी आस्था है, हमें कोई बताने वाला नहीं था पहले। यानी योग कैसे जोड़ रहा है। जिस त्रिपुरा में त्रिपुरा लिबरेशन फ्रंट कभी भारत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करता था, स्वाभाविक रूप से प्रत्येक लोग रहे होंगे उसमें, हर एक प्रकार के लोगों ने हथियार उठाए होंगे, आज वो सांस्कृतिक रूप से किस रूप में भारत के साथ एकाकार हो रहा है, आज वह जोड़ रहा है, देख रहा है कि नहीं, इस हिंसा में नहीं बल्कि भारत की अहिंसा के मंत्र में मेरा भी कल्याण है, मेरी आने वाली पीढ़ी का भी भलाई है, और वो उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया के अंदर वास्तव में हर एक व्यक्ति अंततः शांति की अपेक्षा करता है, उसको एक सीमा के बाद भी ये अपेक्षा होती है कि नहीं अब बहुत हो गया है, अब मुझे कुछ स्वयं की आत्मिक शांति के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। लेकिन वो जगह मिलेगी कहां, कौन देगा, कौन उसके लिए तैयार होगा? और मुझे लगता है कि भारत इस योग का जनक है और भारत के नागरिकों को, भारत की वर्तमान पीढ़ी को इसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए कि हमारे वर्तमान में आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ हो रहे योग एंड वेलनेस सेंटर इस दृष्टि से एक बहुत निर्णायक भूमिका का निर्माण कर सकते हैं, पूरी मानवता को अपने साथ जोड़ने का एक बहुत सशक्त माध्यम। योग की परंपरा 5 वर्ष में 193 देशों में पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ती हुई दिखाई देती है। आज तो योग को कोई अपने नाम से पेटेंट नहीं करा सकता। आपने देखा होगा जब एक समय भारत की योग की इस प्राचीन विधा को तमाम देशों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नाम से उसको करने का प्रयास किया था, लेकिन आज तो ये भारत के नाम पर एक ऐसा जुड़ चुका है कि कोई प्रयास भी करेगा तो भी उसमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूएनओ सामने आ जाएगा कि यूएनओ के माध्यम से विश्व योग दिवस भारत के नाम पर पहले से तय है और भारत के माध्यम से दुनिया के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम पहले से आयोजित हो रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम इस रूप में बहुत बड़ा कार्य होगा और इसलिए मैं महायोगी गुरु गोरखनाथ शोध पीठ से, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुआ है, मैंने उनसे इस बारे में पहले भी कहा था, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नाथ पंथ या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ गोरखनाथ पर उनको कार्य करना चाहिए। एक बृहद कार्य होगा, बड़ा कार्य होगा, एक ऐसा आने वाली पीढ़ी के लिए आप कार्य कर पाएंगे जो इस शोधपीठ को, विश्वविद्यालय को अमरता की एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। एक बहुत बड़ा कार्य यह होने जा रहा है और उस पर अभी से कार्य योजना बना करके समयबद्ध ढंग से इस कार्य योजना को आगे बढ़ा देना चाहिए। एक बहुत बड़ा कार्य है। कोई भाषा ऐसी नहीं भारत की या बृहत्तर भारत की जिसमें नाथपंथ से जुड़े हुए, महायोगी गोरखनाथ से जुड़े हुए, योग की अलग अलग प्रकृति, हर अलग अलग देश काल प्रकृति उम्र के लोगों के लिए उस प्रकार की साधनाओं का विकास महायोगी गोरखनाथ ने या नाथपंथ के योगियों ने न किया हो, हर प्रकृति के व्यक्ति के लिए, और बालक है, जवान है, प्रौढ़ है, बुजुर्ग है, महिला है, पुरुष है, उसकी प्रकृति किसी भी प्रकार की प्रकृति का हो, देश काल और परिस्थिति के अनुरूप भी आप हिमालय की ऊंचाइयों में भी जहां पर टेम्परेचर माइनस डिग्री में जा रहा है वहां पर कौन सी क्रियाओं को कर सकते हैं, और रेगिस्तान की उस भीषण गर्मी में भी जहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री को भी पार कर जा रहा है वहां पर भी कौन सी क्रिया उसके लिए उपयुक्त हो सकती है कि इस प्रकार के बाह्य आघातों से उसे सुरक्षित रख सके। वो सारी की सारी
योग की साधनाएं और योग की विधाएं आपको महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के साहित्य में उपलब्ध हो जाएंगी। और जो देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में बिखरे पड़े साहित्य में प्राप्त हो जाएगा। आप नेपाली में जाइए, आप तिब्बती में जाइए, आप भूटानी में जाइए, आप किसी भी अन्य भाषा में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, हिंदी में, राजस्थानी में या उड़िया में, बंगाली में, किसी भी भाषा में आप जाना चाहेंगे, उस भाषा में आपको साहित्य मिलेगा, समृद्ध साहित्य मिलेगा। उस साहित्य का इकट्ठा करना, उस साहित्य को फिर व्यवस्थित रूप से संग्रहित करते हुए फिर उसको एक विश्वकोश के रूप में प्रकाशित करना एक बड़ा कार्य और यशस्वी कार्य होगा महायोगी गुरु गोरखनाथ शोध पीठ के लिए, जो इस पीठ के द्वारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। मैं केवल दो धन इस बारे में दूंगा। एक, मलिक मोहम्मद जायसी मुझे बीच में अमेठी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और वहां पर जायस एक जगह का नाम है। ये जो स्थान था वह मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान है और उसी के नाम पर वो जायसी भी पड़ गया। वहां गोरखनाथ का मंदिर भी उन्होंने बनाया है और उन्होंने अपने एक उन्होंने बात कही थी और उन्होंने बहुत ऐसी बात उन्होंने कहा था कि बिनु गुरु पंथ न पाइये भूले सो जो भेंट, योगी सिद्ध होई तब जब गोरख सो भेंट। यानी उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी जैसा एक सूफी संत भी इस बात का उदाहरण देता है कि हमें सिद्धि, एक योगी के लिए सिद्धि प्राप्त करने का रहस्य कहाँ है, वो महायोगी गोरखनाथ जी की साधना में है। इतना बड़ा भक्त गोरखनाथ का एक ऐसे पंथ में, एक ऐसे मजहब में पैदा होता है और वह पूरे धड़ल्ले से इन बातों को कहते हुए आगे बढ़ता है, मंदिर बनाता है उनका, ये सारी चीजों की स्थापना करता है। दूसरा, आप महाराष्ट्र की परंपरा में जाइए। जैसे हमारे यहां उत्तर भारत में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, हमारे यहां जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, इन मांगलिक कार्यक्रमों को मैं हम लोग अपने यहां अखंड रामायण का पाठ बिठा देते हैं। आप महाराष्ट्र की परंपरा में जाएंगे, महाराष्ट्र की परंपरा में आपको नौनाथ परंपरा का पाठ देखने को मिलेगा। और नौनाथ परंपरा के बारे में वारकरी संप्रदाय, जिसकी स्थापना संत ज्ञानेश्वर से प्रारंभ होती है, संत ज्ञानेश्वर 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञानेश्वरी पर श्रीमद भगवद गीता पर टीका लिखी थी, ज्ञानेश्वरी के नाम पर विख्यात हुई। उनसे जब पूछा गया कि ज्ञानेश्वरी कैसे 16 वर्ष की उम्र में लिख दिया, उन्होंने कहा कि मुझे जो ज्ञान मैंने ज्ञानेश्वरी में दिया है, यह ज्ञान मुझे कहां से प्राप्त हुआ है, महायोगी गोरखनाथ से गहनीनाथ को, गहनीनाथ से निवृत्तिनाथ को और निवृत्तिनाथ से मुझे प्राप्त होता है। एक गहनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञाननाथ यानी ज्ञानेश्वर, ये तीनों भाई थे। लेकिन उनका भाई गहनीनाथ, सबसे बड़ा भाई गहनीनाथ, महायोगी गोरखनाथ से दीक्षित होता है और गहनीनाथ से दीक्षित होते हैं निवृत्तिनाथ और निवृत्तिनाथ से दीक्षित होते हैं ज्ञानेश्वर। और ये परंपरा इस रूप में वहां चलती है। और आज आप महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे, वही नौनाथ परंपरा का पाठ, वही उसी प्रकार की गायन की परंपरा, जैसे हम रामचरित्र मानस का अखंड रामायण का पाठ अपने यहाँ करते हैं, महाराष्ट्र की परंपरा में इस रूप में वहां देखने को हम सबको प्राप्त होती है। और इससे मेरा मानना है प्रदेश को जोड़ने के लिए जहां पे जिस बात की आवश्यकता थी, आप इस देश के पूर्वोत्तर के भारत में आप जाएंगे, असम की परंपरा हो, त्रिपुरा की परंपरा हो, बंगाल की परंपरा हो, या फिर उड़ीसा की परंपरा हो, या फिर इस देश के पश्चिमी क्षेत्र में आप चले जाइए, या दक्षिण में चले जाइए, उत्तर में आप चले जाइए, हर एक जगह आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को प्राप्त होगा। मुझे लगता है कि अगर योग की परंपरा के माध्यम से हम बृहत्तर भारत को जोड़ने में सफल हो सकते हैं,
योग की परंपरा यूएनओ के माध्यम से दुनिया के 193 देशों को भारत के साथ जोड़ करके भारत को एक भावनात्मक संबंधों के साथ जोड़ने का एक माध्यम बन सकता है, तो ये माध्यम मानवता के कल्याण का माध्यम भी बन सकता है और अवश्य बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः महायोगी गुरु गोरखनाथ शोधपीठ से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने अभी एक वर्ष के अपने इस कार्यकाल के अंदर यहां से कुछ प्रकाशन प्रारंभ किए हैं, लेकिन एक पूरे शोध पीठ को एक विराट आकार देते हुए हमें उस विश्वकोश की ओर बढ़ने की आवश्यकता है कि देश में, दुनिया में जहां कहीं भी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के लोक कल्याण के, मानवता के कल्याण के और योग के माध्यम से या योग की विभिन्न विधाओं के माध्यम से मानवता के कल्याण के जितने भी ऐसे आयाम बिखरे पड़े हैं उन सब का हम बृहत संकलन करके इस विश्वकोश के माध्यम से अगर उसका प्रकाशन और फिर उसे दुनिया के सामने या वर्तमान पीढ़ी के सामने में लाने में हम सफल होते हैं तो सचमुच शोधपीठ की स्थापना का जो एक उद्देश्य रहा है वो उद्देश्य सफल होता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः पंचम योग दिवस के अवसर पर आप सभी महानुभावों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि योग के बारे में जो हमारी श्रुति ने बार बार कहा है कि योग यानी योग से तपा हुआ शरीर, योगाग्निमय शरीर जिस साधक को प्राप्त हो जाए उसे न रोग होगा, उस पे न बुढ़ापा आएगा और उस पे मृत्यु भी अचानक हमला नहीं कर पाएगी। यह योगाग्निमय शरीर योग की परंपरा का अहर्निश अभ्यास करते हुए सात्विक जीवन जीते हुए सकारात्मक रूप से अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए योग के उन सभी आयामों को जो अलग अलग क्रम में हम सबके सामने भले रखे गए हों लेकिन हर एक का अपना एक व्यवहारिक आधार भी है, उनसे कुछ भी हम प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे तो सचमुच एक योगाग्निमय शरीर प्राप्त करके किसी भी प्रकार के रोग से, बुढ़ापे से और मृत्यु से बचने में हमें व्यापक सफलता प्राप्त हो सकती है। आप सबका शरीर योगाग्निमय हो, इसके लिए आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।